आगे मत आ रहे भाई ये। चलो सर भाई, बहुत खुशी हुई कि आपका दोबारा से मुमरा में आगमन हो गया और आज आप इस दरगाह गली में आए हैं अहमद भाई के जो है ऑफिस के पास, और जबकि अहमद भाई का भी जो है MIA में प्रवेश हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप अहमद भाई को लेकर के और दोबारा से मुमरा के अंदर प्रवेश करके, जो आपकी राजनीति या रणनीति जो भी कहा जाए उसके ऊपर? देखिए कि पहले तो मैं यानी बहुत खुश हूँ कि यानी शहर में मैं वापस आ चुका हूँ, रमजान के मुबारक महीना मुझे शहर में बिताने मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जैसा आपने कहा कि यानी अहमद भाई का, यानी अहमद भाई देखिए जब मैं नहीं था तभी हमसे जुड़ गए थे अलहमदिल्ला, यानी काफ़ी यानी एक्टिव थे हमारे साथ सभी लोग, यानी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो भी मेम्बर हैं सभी एक्टिव थे, उसके साथ अहमद भाई भी एक्टिव थे। इंशाल्लाह ताला अब आगे चलकर अहमद भाई का भी एक अहम रोल रहेगा पार्टी में, जितने भी मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं सबका अहम रोल रहेगा उसमें, अहमद भाई का भी इंशाल्लाह ताला अहम रोल रहेगा। जावेद भाई के लिए क्या दो शब्द कहेंगे, क्योंकि जब आप नहीं थे तो जावेद भाई ने पूरे मुमरा को जो है एकदम संभाल के रखा हुआ था और जितनी एक्टिविटी उनकी थी शायद किसी और नेता की नहीं देखने को मिली। नहीं देखिए कैसा है कि सभी लोग एक्टिव थे लेकिन वो बोलते हैं ना शेर शेर होता है, तो जावेद भाई शेरों की तरह दहाड़ देते थे हर एक मसले पे, सबसे ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव थे, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। बाकी ये बात है कि स्पेशली मैं भी यानी बहुत खुश हूँ कि कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगता था कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो ऐसा नहीं लगता था कि यानी मैं नहीं हूँ तो वहाँ पर नहीं उठ रहा, जावेद भाई एकदम बेबाकी से उसके हर मुद्दे पर यानी डटे हुए थे शेरों की तरह। सैफ भाई, जो दरगाह गली के आपको मुद्दे मालूम है, हॉकर्स के भी मुद्दे हो गए, आखिर काफ़ी मुद्दे है दरगाह गली में, उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह जाना जाएंगे? देखिए कि यानी शहर, ये हमारा शहर मुमरा शहर मुद्दों से घिरा पड़ा शहर है। अभी तो हम शहर में आए, इंशाल्लाह ताला हर एक मुद्दे पे हॉकर्स हमारे भाई आज भी परेशान है। आज बहुत से मुद्दे, अगर मैं लिस्ट बताना शुरू करूँगा तो यानी वो लिस्ट लंबी चलेगी। इंशाल्लाह ताला हर मुद्दे पे MIM ने पहले भी अपना पक्ष रखी है, आगे भी इंशाल्लाह ताला पूरी तरीके से अपना पक्ष रखी। एक आखिरी सवाल जातिवाद को लेकर के है, जिस तरह से राज ठाकरे का बयान, विवादित बयान ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है, क्या कहेंगे सर राज ठाकरे की उस बयान को? अब तक आपकी पार्टी से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई उस पर? प्रतिक्रिया नहीं, नहीं, नहीं आई है। हमारे यानी जो स्पोक पर्सन है वारिस पठान साहब वो बोल रहे हैं, हमारे जो मुफ्ती इस्माइल साहब जो हमारे नहीं, वो उनकी वीडियो तो बताई जा रही है कि पहले की वीडियो चलाई जा रही है ऐसा लोग बता रहे हैं, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सब लोगों ने देखो दिया हमको पार्टी, हम दे रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा भोके हमारे कौम के बारे में हमारे धर्म के बारे में हम उसको हाईलाइट करें, हम वो नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि हम कुछ रिएक्शन दें और यानी वो कुछ माहौल खराब हो या बात, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी फालतू रिएक्शन पे, कि आपको क्या लगता है कि वो जिस तरीके से भोग रहे उस तरीके से बंद कर पाएंगे। आज मुमरा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ है, जैसा कि एक फेसबुक पे किसी ने टिप्पणी किया था मंदिर पर, तो उसको अरेस्ट करके उस पर FIR दर्ज हुई, तो जिन्होंने अजान के ऊपर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिया उसको क्यों नहीं हुई अब तक FIR, उसके लिए मांग क्यों नहीं की जा रही है? नहीं इंशाल्लाह की जाएगी, हमारे वरिष्ठ जो हमारे यानी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं इन लोग सब लगे पड़े इंशाल्लाह ताला बड़े पैमाने पे, उन्होंने कहा भी है कि हम बड़े पैमाने पे जवाब देंगे, तो इंशाल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा। आने वाले मनपा चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आने वाले मनपा चुनाव में इंशाल्लाह ताला MIM पूरे दमखम से लड़ेगी, हर तरफ लड़ेगी इंशाल्लाह ताला, पूरी ताकत से लड़ेगी। यह हमारा शहर आज बुनियादी सहूलतों से महरूम है, आपको पता है यानी पूरे हर एक मुद्दे पे टोरेंट से लेकर के हर एक मुद्दे पे हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो इलेक्शन में हम पूरे दम से लड़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके माध्यम से बता दूँ आवाम को कि अगर हम लोगों को मौका दिया गया तो इंशाल्लाह ताला टोरेंट जैसी जो बीमारी है उसका हम खात्मा करके रहेंगे इंशाल्लाह। अहमद भाई आपको कोई लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के जो मुद्दे हैं आप लोग काफ़ी उठाते रहते हैं, आज आपकी एक ताकत और बढ़ गई है MIM में जुड़ने से, तो उस पर MIM के लिए आप लोग क्या करेंगे और पार्टी को किस तरह मजबूत करेंगे? पार्टी इंशाल्लाह मजबूत है, पहले से मजबूत है, पार्टी को ऐसा कोई मजबूत करने की कोई वो नहीं है, पहले से मजबूत है, रहा ये काम करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे।
अहमद भाई, वजह क्या है कि हमेशा आप इंडिविजुअल लड़ते आए हैं और आज आपने एक पार्टी ज्वाइन की है, तो सिर्फ MIM ही क्यों ज्वाइन किया? ये आप ही लोग के बोलने की वजह से जो है MIM ज्वाइन किए, वरना MIM से तो मेरे पहले से ताल्लुकात है, मेरे सब अच्छे दोस्त लोग है, मेरे अच्छे ताल्लुकात है उन लोगों से, ठीक है, सब जितनी भी सब है मेरे दोस्त लोग है। जद भाई, जिस तरह से मुमरा के अंदर सैफ पठान के ना रहने पे आपने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो काबिले तारीफ है, तो क्या कहेंगे सर सैफ पठान के आने के बाद, क्या वैसा ही काम चलता रहेगा या उसमें और भी बढ़ोतरी होगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए, आपने जो सवाल किए कि सैफ पठान तो पहले से शेर था और शेर को जगाने की ज़रूरत नहीं है, और उनके क़यादत में उनके ये लोग बोलते हैं ना मार्गदर्शन, हम मार्गदर्शन इनके जो है वसीले पे ऊपर हम बोलेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इनके कहने ऊपर मुमरा के जो लोग हैं, मुमरा के जो नौजवान हैं, ये इनसे जुड़े हुए हैं, और यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ का बदलाव चाहिए, और हम घर घर जाते हैं, शायद भाई भी जाते हैं, और यहाँ के लोगों को बदलाव चाहिए। जब तक बदलाव नहीं चाहेगा तो आप जैसे लोगों को इज्जत नहीं होगी, कि यहाँ पे सिर्फ आप लोग का भी सपोर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि कभी बोले रात को रात दिन को दिन, ऐसा मत लोग बोले। और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जो सच्चा सिपाही है वही हमारा जो है शहर का काम करेगा, और हम लोग सब मिलके इंशाल्लाह इस पे ध्यान देंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अस्सलाम।